दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ आज बीजेपी प्रचंड विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। इस वक्त मैं आईटीओ चौराहे के पास मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। सामने एक गाड़ी के ऊपर मंच बनाया गया है, जहां से नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, और अभी से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना यहाँ पर शुरू हो गया है। लेकिन इस बाबत जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि कार्यकर्ताओं की भीड़ आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक ना पहुंचे, वो हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इस जगह से आगे जाने की अनुमति किसी भी कार्यकर्ता को नहीं होगी, यहाँ पर उन्हें रोक दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की तैनाती आपको दिखेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। उसके अलावा इस विरोध प्रदर्शन पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हम तस्वीरों में ये ड्रोन दिखा रहे हैं, जिससे पूरे प्रदर्शन पर निगरानी रखी जाएगी। किसी भी तरह से कानून को तोड़ने की कोशिश अगर करते हैं कार्यकर्ता उत्साह में आकर, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि ड्रोन्स भी यहां पर लगाए गए हैं, जिससे कि तमाम जो विरोध प्रदर्शन आज होना है उस पर नजर रखी जाएगी। चूंकि ये बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, उसको लेकर सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने ये पहली लेयर है बैरिकेडिंग की, जहां से कार्यकर्ताओं को शुरू करना है अपना विरोध प्रदर्शन। और इसके बाद आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आगे आपको दूसरा लेयर दिखेगा सिक्योरिटी का, वहां पर भी आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगी। तो ये दो लेयर यहाँ पर सिक्योरिटी बैरिकेडिंग लगाई गई है। ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, जहाँ पर अभी इस तरह की बैरिकेडिंग्स लगाई गए हैं, और यहाँ पर आम यातायात के लिए इस रास्ते को रोक दिया गया है। तो अभी विरोध प्रदर्शन को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इस बात की तो पक्का पुष्टि है। उसके बाद भी ये दूसरी लेयर लगाई गई है, ताकि किसी भी तरह से कार्यकर्ता जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दूसरी लेयर की बैरिकेडिंग है, ये लगभग आम आदमी पार्टी कार्यालय से 50 मीटर पहले है। ठीक इसी तरह से डबल लेयर सिक्योरिटी बैरिकेडिंग आम आदमी पार्टी के कार्यालय से दूसरी तरफ भी लगाई गई है। तो इस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर रखे गए हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग के साथ बीजेपी आज ये विरोध प्रदर्शन करने वाली है। और इसी के साथ जो तमाम मामले चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के, उसके खिलाफ भी वो इस्तीफा मांग रहे हैं, और उनका कहना है कि तमाम भ्रष्टाचारी जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हैं। इसके साथ ही आज आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाली है, ठीक इसी जगह पर। तो तमाम विरोध प्रदर्शनों का दौर जो है वो दिल्ली में लगातार जारी है, और दो पार्टियों की नुरा कुश्ती के बीच, राजनीतिक जंग के बीच, अब ये पोस्टर वॉर, होर्डिंग वॉर के बाद प्रोटेस्ट वॉर भी शुरू हो गया है। तो इस तरह की लगातार राजनीतिक गतिविधियां दिल्ली में चलती हुई, और इसके तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार TV9 भारतवर्ष पर देते रहेंगे।